नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। रुपेश सिंह मर्डर केस में अब तक नहीं मिला कोई भी सुराग। अंधेरे में तीर चला रही है बिहार की पटना पुलिस। नमस्कार, मैं हूं निधि झाड़, आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। पहेली बनकर रह गया है रुपेश हत्याकांड। पहेली बनकर रह गया है पटना पुलिस के लिए रुपेश हत्याकांड। इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह हत्याकांड कभी पुलिस की जांच एयरपोर्ट पार्किंग के विवाद पर टिकी होती है तो कभी सेंडर पर पुलिस की गिरफ्तारी और पूछताछ के डर से छोटे मोटे अपराधी ने तो पटना छोड़ दिया है। आखिर किसने की रुपेश की हत्या, ये अपने में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी सातिर ने इस घटना को इस तरह अंजाम दिलवाया है कि पुलिस के लिए भी यह पहेली बनकर रह जाए। किसान आंदोलन कमजोर लेकिन विपक्ष कृषि कानून पर अड़ा। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण का होगा विरोध। नए कृषि कानून के खिलाफ तो भले ही किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया हो लेकिन विपक्ष बजट सत्र से पहले इस मामले पर सरकार के विरोध में अड़ गया है। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि 16 राजनीतिक पार्टियों के साथ वह बजट सत्र के पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का डीएम ने दिया निर्देश। भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त चल रहा है किसान आंदोलन, अब तक दम तोड़ा नजर नहीं आ रहा। 26 जनवरी को दिल्ली में हुए हंगामे के बाद अब किसानों का धरना खत्म करने के लिए यूपी सरकार ने भी कमर कस ली है। योगी सरकार ने किसानों का धरना खत्म कराने के लिए सभी जिले के एसपी और डीएम को निर्देश जारी कर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर बोले कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। कहा, यह सरकार की नाकामी को दर्शाता है। बिहार के सरकार की गठन के लगभग 2 महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के एमएलसी और पार्टी प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि यह कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी दर्शाता है। पटना से 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। 7 पिस्टल, 10 मैगजीन और 1.5 लाख रुपए हुआ बरामद। बिहार एसटीएफ की विशेष टीम ने जो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हथियार तस्करों के पास से 7.65 mm के 5 पिस्टल, 10 मैगजीन और नगद 1.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। दोनों हथियार तस्करों की गिरफ्तारी राजधानी पटना से की गई है। बिहार में अपराध पर लगाम लगाएगी एटीएस। भागलपुर पहुंचे एडीजी के पुलिस अधीक्षक। भागलपुर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए बिहार एटीएस के एडीजी रविंद्र संकरण बिहार भ्रमण पर निकले। इसी कड़ी में दोपहर एडीजी भागलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे। यहां रविंद्र संकरण भागलपुर प्रक्षेत्र के एडीआईजी, एसएसपी और नवगछिया एसपी के साथ बड़ी घटनाओं में पुलिस की कार्रवाई, गिरफ्तारी के केसों की स्थिति की जानकारी लेते नजर आए। पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी पहुंचे सीएम हाउस। पशुपालन के मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री से उनकी तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलने के बाद मुकेश सहनी ने कहा कि विभाग के कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। शराब के धंधे में बदमाशों के बीच हुआ विवाद, एक को मारी गोली। पटना सिटी के खंजे काला थाना क्षेत्र के सिंधी दलाना में मंगलवार की देर रात आपसी विवाद में एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ। इस घटना के बाद गोली मारकर घायल करने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए खंजे काला थाना की पुलिस लगातार काम कर रही है। बिहार के एक्सिस बैंक में 47 लाख की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम।
इस वक्त वैशाली जिले से यह खबर आ रही है जहां अपराधियों ने एक्सिस बैंक में 47 लाख रुपए की लूट की है। यह घटना बिंदुपुर के कंचनपुर की बताई जा रही है। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें। सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींच कर भेजे कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052443।